गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी मैं बाबू को स्कूल भेज चुकी हूँ। सुबह के बज रहे हैं, सुबह का 8 होने वाला है, हुआ नहीं है अभी। और मैं बाबू को 7:30 में ही स्कूल चला गया। वो थोड़ा सा ऑटो लेट आया था आज। और अब मैं, मेरा नाश्ता भी बन के रेडी हो चुका है और अब मैं ऊपर के थोड़ा सा ऊपर का साफ सफाई झाड़ू वगैरह करती हूँ, पूजा रूम की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं आज सोच रही हूँ टाइम निकल जाए थोड़ा जल्दी तो सिलाई वगैरह कर लूँ। देखती हूँ क्या क्या होता, तो भी मैं साफ सफाई में लगूँगी। आप लोग ब्लॉग पे बने रहिएगा। और मेरा पूजा रूम का लाइट बना ही नहीं यार, सबसे पहले मेरा पूजा रूम की सफाई करना पड़ता है। देख सकते जितना सारा फ्लावर्स वगैरह है। और मेरे पतिदेव साहब जी अभी सो रहे हैं तो उनको भी उठाना है, अभी उठे नहीं हैं। तो ब्लॉग पे बने रहिएगा। और ये तो मेरा डेली का ब्लॉग है, तो आप लोग आई होप अच्छे से इसको इंजॉय करते होंगे। और जितना मेरे से हो सक रहा है मैं कोशिश कर रही हूँ। और धीरे धीरे अभी मैं न्यू हूँ, इस वजह से उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो माफ कीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी और इससे अच्छे धीरे धीरे, लेकिन होगा एकाएक कोई चीज़ नहीं हो पाता है। तो थोड़ा सा हमको समय देंगे ना, तो धीरे धीरे मैं सब कुछ करने की कोशिश करूँगी। इम्पॉसिबल जो है उसको पॉसिबल करने की कोशिश करूँगी। तो थोड़ा सा मुझे टाइम चाहिए, सीखने में भी थोड़ा चला जाता है, इस वजह से मैं धीरे धीरे भी करने की कोशिश कर रही हूँ। और ये मेरा है स्टोर रूम, किचन था बट स्टोर रूम बन गया है। नीचे ही खाना बनाती हूँ ना, इसीलिए इसको स्टोर रूम ही बना के रखे हुए। आप लोग सपोर्ट करेंगे ज़रूर, एक दिन यही खाना बनाएंगे हम और आप लोग को दिखाएंगे भी। तब तक मैं सब जगह अच्छे से साफ सफाई कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ब्लॉग पर बने रहिएगा।
फ्रेंड्स, अब मैं नहा धो के आ चुकी हूँ, नाश्ता भी कर ली हूँ और मैं तब तक एक ब्लाउज भी सिल ली हूँ। उस टाइम से आधा सिला हुआ था, आधा बस पूरा कंप्लीट करेंगे। अभी जब कंप्लीट पूरा हो जाएगा ना, फिर मैं आप लोग को दिखाऊंगी। जब कंप्लीट होगा फिर मैं दिखाऊंगी। तब तक मैं वही करने लग गई थी, इसीलिए अभी जस्ट नाश्ता करके ठीक और नहा धो के अभी बैठी। उस टाइम तो बहुत सारा काम हो गया था ना, जल्दी जल्दी ऊपर साफ सफाई की, फिर पूजा रूम फूल तोड़ने, बहुत सारा काम हो गया था, फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी इस वजह से। और अब मैं, मेरा ब्लाउज सिल चुका है ना, अब इसको काज होता है, काज और बटन की ना, तो हुक लगा रही ब्लाउज में, बटन नहीं लगाना हुक ही था, तो इसमें भी हुक लगा रहे हैं। और काज करने के बाद एक बार हुक लगाएंगे, फिर जैसा होगा उससे देखेंगे कैसा हुआ, अच्छा सिला खराब सिला जिनका है उनको देंगे। मॉल से नहीं, फ्री वाला है, ऐसा नहीं सोचिएगा मॉल वाला, अब तो गलत मत सोच लीजिए, मेरी भाभी का है। बड़ा परेशान है, लेकिन अभी मेरा खाना नहीं बना है, अब खाना बनेगा। और टाइम हो गया कितना, 12:30, जल्दी खाना भी। और एक घंटे में बाबू भी स्कूल से आने वाले हैं, उसका इतना खराब लगेगा। तो फिर हम छोटा छोटा ही वीडियो करते हैं, क्योंकि बहुत लॉन्ग भी होने से आप लोग फुल वॉच नहीं करते हैं, इस वजह से फिलहाल के लिए छोटा छोटा ही डाल रहे हैं हम लोग। और मैंने अभी रोटी चना दाल की तड़का और दही खाई हूँ, और तो मुझे तब खाना नहीं है, बट पता नहीं चावल बनेगा या नहीं पता है मुझे, चावल तो बनेगा क्योंकि चावल का पानी चढ़ना चढ़ा के आई, मम्मी बोलेंगी तो बन जाएगा, नहीं बोलेंगे तो नहीं बनेगा। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग शेयर कीजिए। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।